एक क्लास और लगनी है एल्डिहाइड कीटोन पे, एक क्लास लगनी है कार्बोक्जिलिक एसिड और डेरिवेटिव पे, दो क्लास लगनी है वाइन्स पे। हाँ खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? अगले क्लास में आपको बुकलेट मिलेगी। अरे बड़े हो गए। मैथ के लिए मैं नहीं बता सकता, केमिस्ट्री के लिए कोई छुट्टी नहीं। आपको जनवरी फर्स्ट वीक में फ्री करना है भाई। तुम्हारी भूख बढ़ रही है। हाँ ये एकदम हो सकता है, कुछ पार्ट टेस्ट आपके लिए जा सकते हैं, तीन तीन चैप्टर के। अब उसके बाद जब आपके क्लासेस कंप्लीट होंगे फिर आपको टेस्ट ही देने। फिजिकल केमिस्ट्री जो प्लस वन की है तीन पार्ट में डिवाइड करके पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट लिया जा सकता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो टेस्ट आप दे ही रहे हो। एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीन पार्ट कर देते हैं। तीन पार्ट का मतलब एक प्लस वन ऑर्गेनिक का और दो प्लस टू ऑर्गेनिक के, ठीक है? नॉन ऑर्गेनिक में सब कुछ आ जाएगा, नॉमन क्लेचर, आइसोमेरिजम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या ऐसा करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को अलग कर लेते हैं। अच्छा नहीं, हाइड्रोकार्बन्स को भी साथ में रखेंगे। चलो लिखो, इनऑर्गेनिक क्या? एक चैप्टर बचा हुआ ना। इनऑर्गेनिक के टेस्ट की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक के टेस्ट लिए जा सकते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट, और उसकी कॉपी कौन चेक करेंगे? वो मेरी प्लानिंग है, मैं उसको बनाऊंगा, फिर प्रपोजल आपके सामने रखा जाएगा। आप जो करेक्शन करना चाहते हो वो आप बताओगे, फिर वो सदन में पारित होगा और फिर आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। चलिए नोट करिए, When aldehyde containing alpha hydrogen or not, is treated with Lewis acids such as anhydrous alumina or aluminium ethoxide
इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू प्रोड्यूस एस्टर, इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू प्रोड्यूस एस्टर। देखो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रिएक्शन इज टर्म्ड एज, रिएक्शन इज टर्म्ड एज एक्सटेंडेड कैनेजारो रिएक्शन। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रिएक्शन इज टर्म्ड एज एक्सटेंडेड कैनेजारो रिएक्शन, क्योंकि कैनेजारो रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बना था। यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन एक स्टेप और आगे बढ़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का एस्टरीफिकेशन से फाइनल प्रोडक्ट बना। एक्चुअल में इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं बनता, बट फाइनल प्रोडक्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कैनेजारो रिएक्शन का एक्सटेंशन है। ठीक है, इस वजह से हम इसको एक्सटेंडेड कैनेजारो रिएक्शन बोलते हैं। नोट करो, इफ एरोमेटिक एल्डिहाइड इज यूज्ड, इफ एरोमेटिक एल्डिहाइड इज यूज्ड देन रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड, देन रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स Na twice FeCO4. अगर इस कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करें तो यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है, आयरन यहां पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर रहा है। तो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं विथ एल्विना और विथ एल्युमिनियम इथॉक्साइड। एस्टर का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में, रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी। सबसे पहले एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एल्युमिनियम इथॉक्साइड या एल्युमिना के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, तो ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड बन गया। प्रोटोनेटेड नहीं, मतलब एल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स बन गया, इस वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो फर्दर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी हो जाएगा। फर्दर न्यूक्लियोफिलिक अटैक को हमें यहां पे इजी बनाने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि अगला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। ठीक है, तो दूसरा एल्डिहाइड जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है।
वैसे यहाँ पे एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज होगा। एल्युमिनियम इथॉक्साइड रीजनरेट हो गया और प्रोड्यूस हुआ RCOOCH2R। अब रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, तो आप देखो हाइड्रोजन वो ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि हाइड्राइड वो ट्रांसफर कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जिस एल्डिहाइड ने ल्यूस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया वो हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा है, जो हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिससे हाइड्राइड बाद में अटैच होगा उसका रिडक्शन होगा। पहले वाले एल्डिहाइड का जो रिएक्शन में फर्स्ट एल्डिहाइड इन्वॉल्व है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है, नोट कर लो। ड्यूरिंग द रिएक्शन फर्स्ट एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन, वेयर एज सेकेंड एल्डिहाइड अंडरगो रिडक्शन। फर्स्ट एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन वेयर एज सेकेंड एल्डिहाइड अंडरगो रिडक्शन। यहां पर जिस स्टेप में हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है यह स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मान लो आप दो एल्डिहाइड को कंसीडर करते हो, एक में कार्बन से ड्यूटेरियम अटैच है और दूसरे में कार्बन से प्रोटियम अटैच है, तो कौन हाइड्राइड ट्रांसफर में इन्वॉल्व होगा, मतलब एच नेगेटिव ट्रांसफर होगा या डी नेगेटिव ट्रांसफर होगा। एच नेगेटिव ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली रिएक्शन में हम सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, यानी कि यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। थर्ड रिएक्शन लिखिए, बेंजवैन कंडेंसेशन। Because when benzaldehyde or some other aromatic aldehyde is treated with alcoholic aqueous potassium cyanide, formation of alpha hydroxy ketone, containing phenyl group on both sides
कंटेनिंग फिनाइल ग्रुप ऑन बोथ साइड इज ऑब्टेन्ड. प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो नोन एज बेंजोइन. ठीक है, जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है उसको क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं. इसीलिए रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं. बेंजोइन की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एल्डिहाइड के सारे टेस्ट देता है. जो एनालिटिकल टेस्ट एल्डिहाइड के हैं वो सारे एनालिटिकल टेस्ट यहां पे ऑब्जर्व होते हैं, एक टेस्ट को छोड़ करके वो आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखो रिएक्शन ये है, यहां पे हमने एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यूज किए और इसको ट्रीट कर रहे हैं एल्कोहलिक एक्वस पोटेशियम साइनाइड के साथ. तो केसीएन H2O रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी. पहले बेंजाल्डिहाइड को हमने कंसीडर किया, साइनाइड आयन प्रोड्यूस होगा, साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, साइनाइड ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से और इधर फिनाइल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ये हाइड्रोजन सफिशियंटली एसिडिक होगा, ओ नेगेटिव हाइड्रोजन को इंट्रामोलिकुलरली रिमूव करता है. अब देखो हाइड्रोजन यहां पे ट्रांसफर हुआ है इस साइड से इस साइड को, यहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड नहीं एच पॉजिटिव का ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली. ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर इस स्टेप में हो रहा है, तो इसका मतलब कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है,
आप बोल सकते हैं जिसपे साइनाइड आयन का अटैक हुआ वो हाइड्रोजन डोनर है और दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, यानी कि जिसपे साइनाइड आयन का अटैक हुआ वो ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ। तो आप नोट कर लो, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल एट विच अटैक ऑफ साइनाइड आयन अकर्स, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल एट विच अटैक ऑफ साइनाइड आयन अकर्स अंडरगो ऑक्सीडेशन वेयर एज अदर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन अंडरगो रिडक्शन। अब जैसे अगर आप दो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हो, एक में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर और दूसरे में नाइट्रो ग्रुप नहीं है, दूसरा सिंपल बेंजल्डिहाइड है, तो फिर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होना चाहिए? नाइट्रोबेंजल्डिहाइड पे साइनाइड आयन अटैक करेगा, ठीक है? नाइट्रोबेंजल्डिहाइड पे साइनाइड आयन का अटैक होगा, यहां पे ध्यान देना एच पॉजिटिव का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है? एच पॉजिटिव का ट्रांसफर हो रहा है फाइनली। तो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड पे साइनाइड आयन अटैक करेगा तो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि कीटोनिक साइड में वो प्रेजेंट होगा, और दूसरा वाला जो बेंजल्डिहाइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा तो वो अल्कोहलिक साइड में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो बस डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन की कंप्लीट हो गई, एनालिसिस कंप्लीट हो गई। ये आप समझ लेना कि कैटेगरी वाइज एनालिसिस का लास्ट केस था, अब इसके बाद सिर्फ रिएक्शन केमिस्ट्री बचती है, कोई कैटेगरी वाइज एनालिसिस नहीं बचती।